क्या अब ये कंट्रोलर का उसमें सस्पेंस। अच्छा ये कैपलान FA1 के एग्जाम के टाइम, इसमें ये टॉपिक है कंट्रोल अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन एंड इनिशियल ट्रायल बैलेंस। तो इसमें सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन, चार टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स है, कंट्रोल अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन, एरर्स अफेक्टिंग और एरर्स नॉट अफेक्टिंग। तो इसमें मैंने जो सस्पेंस अकाउंट या एरर अफेक्टिंग के क्वेश्चंस हैं उनके एक अलग हैंड आउट बना लिए। तो अब डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चंस ढूंढना नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हैंड आउट मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेम है जो किट में दिए हुए, बाकी सीक्वेंस मैंने चेंज किया अपने हिसाब से। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 280, दूसरा है 255। तो ये किट के क्वेश्चन है, सीक्वेंस मैंने अपने हिसाब से उसको सेट किया, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम किट के हैं कैपलान FA1, सीक्वेंस मेरा है, ये मैंने अपने सीक्वेंस में उनको अरेंज कर लिया, बुक के सीक्वेंस में कॉपी नहीं किया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 280 से। आप व्हाट डज अ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट जी? आंसर सी, दैट इन इक्वल वैल्यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैज बीन पोस्टेड इनटू द अकाउंटिंग लेजर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। 225 इच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज एन एंट्री टू बी मेड इन अ सस्पेंस अकाउंट। मतलब इसमें एरर अफेक्टिंग बताने, नॉट अफेक्टिंग, नॉट अफेक्टिंग बताने, ठीक है। ऑप्शन सी। अच्छा बाकी बताएं, सी है क्यों? ओमिशन है तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी होता है, एक वर्ड के पीछे क्यों पड़ गया, पूरा सेंटेंस पढ़े। तो एक सेंटेंस के पीछे ना पड़ जाए, ओमिशन, पूरा सेंटेंस रीड करें, क्या लिखा हुआ है, क्या ओमिट हो रहा है, कहाँ से ओमिट हो रहा है, ठीक है। अब ये वो नहीं है कंप्लीट ओमिशन, ये अफेक्टिंग है, ठीक है। सिर्फ वर्ड के पीछे ना जाए, ओमिशन। अब ये देखें क्या ऑमिट हो रहा है, कहाँ से ऑमिट हो रहा है, वो जो हमने पढ़ा था ना एरर्स नॉट अफेक्टिंग में, कंप्लीट ऑमिशन वो होता है कि आप रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, कंप्लीट ऑमिशन वो अफेक्टिंग होता है, ये अफेक्टिंग नहीं है। इसमें देखें क्या हुआ है, ऑमिशन ऑफ एन इरिकवरेबल डेट्स रिटन ऑफ, ठीक है, इरिकवरेबल डेट्स रिटन ऑफ फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ये ऑमिट कहाँ से हो रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से ऑमिट हो रहे हैं। इट मीन्स हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना नहीं भूले, ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। यानी कि आपने टी अकाउंट में एक डबल एंट्री बनाई, टी अकाउंट में उसको पोस्ट किया, बैलेंस कर लिया, टी अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। तो क्या ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा? नहीं, तो ये तो अफेक्टिंग हुआ। अच्छा ए में क्या, ड्रॉइंग्स शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ड्रॉइंग्स डेबिट होती है, क्रेडिट डेबिट होती है, इसने कहां पे लिखा है, क्रेडिट पे। ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा, अफेक्टिंग हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट होता है, क्रेडिट क्रेडिट होता है, कहां रिकॉर्ड किया, क्रेडिट पर। तो ये तो एरर ही नहीं हुआ ना, ये एरर ही नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया, तो ये एरर ही नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डी मैंने सी बता दिया, मैंने ट्रायल बैलेंस से ऑमिट हो रहा है, अफेक्टिंग। डी एंट्री ऑफ कैश इन हैंड 1680 ऑन ट्रायल बैलेंस एज 1860। तो ट्रायल एक्चुअल अमाउंट था 1680, ट्रायल बैलेंस पे रिकॉर्ड किया हमने 1860 से, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, अफेक्टिंग। तो नॉट अफेक्टिंग कौन सा हुआ, बी वाला, ये एरर ही नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और ये ऑमिशन याद रखिएगा, जब ट्रांजेक्शन ऑमिट होती है तो वो नॉट अफेक्टिंग होता है, ट्रायल बैलेंस से अगर बैलेंस ऑमिट हो जाए तो वो अफेक्टिंग होगा। ओके 226, 256।
जैसे सर चाहिए, लेकिन जो एरर 5 है, वो जो ऑमिशन वाली बात हम कर रहे हैं ना, एरर 5 पढ़े, ये अफेक्टिंग है नॉट अफेक्टिंग है? ये नॉट अफेक्टिंग है क्योंकि यहाँ क्या लिखा, नो एंट्री हैज बीन मेड टू रिकॉर्ड अ कैश, तो ये है कंप्लीट ऑमिशन, इसका इफेक्ट नहीं हो, तो डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है? अब इसमें ये बताएं अफेक्टिंग कौन से हैं, फिफ्थ तो हो गया नॉट अफेक्टिंग, अब 1 2 3 4 में से कौन देखें, एरर 1, 4,600 पेड फॉर मोटर वैन रिपेयर्स। अच्छा साथ साथ इसकी करेक्शन भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी ना, 4,600 पेड फॉर वैन रिपेयर्स, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना है? 4,600, 4,600 रॉन्ग एंट्री। अच्छा बॉस करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक, यानी कि कैश को तो हमने सही क्रेडिट करना था, क्रेडिट किया, ओके, बट वॉज क्रेडिटेड टू मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट, मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो गया ना, मोटर व्हीकल क्रेडिट। डेबिट क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस ना, डेबिट में अब क्या आ जाएगा? सस्पेंस ओपन हो जाएगा, करेक्शन क्या होगी अब? अच्छा एक चीज है कि सस्पेंस को तो छोड़ दिया करें आप, ठीक है, जो एरर है ना उसकी करेक्शन कर लें, सस्पेंस खुद ही आ जाएगा। अब इसमें हमने एरर क्या हुआ, मोटर व्हीकल को गलती से क्रेडिट किया, ये हो जाएगा डेबिट। अब डेबिट करना क्या था? रिपेयर एक्सपेंस ना, तो डेबिट कर दें 46 है, क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट ऐसे 90। बाकी अगर इफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा ना 92 से, सही तो है, ये इसकी करेक्शन होगी, मोटर व्हीकल डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये तो हो गया अफेक्टिंग। नंबर क्या था इसका? 256 का 1, एरर 1। अच्छा एरर 2, इसमें क्या लिखा है? 360 रिसीव्ड फ्रॉम ब्राउन अ कस्टमर वाज क्रेडिटेड इन एरर टू द अकाउंट ऑफ ग्रीन, नाम चेंज हुआ है सिर्फ, एरर ऑफ कमीशन ये नॉट अफेक्टिंग होगा, बस ठीक है। इसमें ओरिजिनल क्या बनेगी? कैश या बैंक डेबिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल ब्राउन आपका क्रेडिट हो जाएगा ना, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल ग्रीन क्रेडिट हो गया ना। ट्रांसपोजिशन एरर, करेक्शन क्या होगी? ग्रीन डेबिट हो जाएगा और ब्राउन क्रेडिट हो जाएगा, नॉट अफेक्टिंग हुआ, ठीक है। 3, 9,500 पेड फॉर रेंट, ओरिजिनल एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट हो गया 9,500, 9,500, ठीक है। रॉन्ग एंट्री वॉज डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट एज 5,900, रेंट को हमने 5,900 से डेबिट किया ना, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा 5,900 और कैश क्रेडिट हुआ, कैश में क्या आएगा? 9,500। करेक्शन क्या होगी?
अब इसमें क्या होगा, देखिए सस्पेंस क्रेडिट पे आ जाएगा ना, किडनी से नहीं डेबिट होगा, डेबिट साइड काम है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। सस्पेंस डेबिट में ओपन हो जाएगा कितने से, करेक्शन सस्पेंस तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा, एरर क्या था इसमें, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था 95 से, डेबिट किया 59 से, ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना था, इसको मजीद डेबिट करेंगे ना, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस अकाउंट ठीक। फूड एंड इरिकवरेबल डेट्स हैड बीन डेबिटेड इन एरर टू परचेजेस अकाउंट। अच्छा, इरिकवरेबल डेट्स की ओरिजिनल एंट्री डेट्स, यहाँ इरिकवरेबल डेट्स डेबिट होंगे और क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे ना, ठीक है, रिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट कितना है, ठीक। रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसने, हैड बीन डेबिटेड इन एरर टू परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेजेस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गए, रॉन्ग एंट्री बन गई, ठीक। करेक्शन क्या होगी, ये नॉट अफेक्टिंग है ना, करेक्शन क्या होगी, बैड डेट्स डेबिट होंगे और परचेजेस क्रेडिट हो जाए, परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे 250 से, ठीक है। एरर फाइव, नो एंट्रीज हैव बीन मेड टू रिकॉर्ड अ कैश सेल्स ऑफ 100, ये कंप्लीट ऑमिशन है, नॉट अफेक्टिंग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एरर्स 1 एंड 3 ओनली, ठीक है, बाकी नॉट अफेक्टिंग है, ओके जी। 256 कंप्लीट, 258 कि रिक्वायरमेंट क्या था, व्हाट विल बी द करेक्टिंग जर्नल एंट्री, ओके जी, अब करेक्शन करनी है इसमें, करेक्शन ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, सस्पेंस अकाउंट ओपन, वन एरर रिलेटेड टू द मिस पोस्टिंग ऑफ एन अमाउंट ऑफ 200 बींग डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर टू द रॉन्ग साइड ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है, क्रेडिट क्रेडिट होता है, अब उसने क्या किया, रॉन्ग साइड तो डेबिट कर दिया, करेक्शन क्या होगी, डबल से डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा डबल यानी 400, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, सस्पेंस डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। अच्छा लिखवा देता हूं आपको, ये लिख भी लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री कंप्लीट, डबल एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट रिसीव की डबल एंट्री क्या होती है, अकाउंट पेबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, अमाउंट कितना है 200, 200, रॉन्ग एंट्री क्या बना है इसने, पेबल तो डेबिट हुआ और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी डेबिट कर दिया ना रॉन्ग साइड, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट किया, ठीक है, तो क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा 400 से ना, करेक्शन क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव
क्रेडिट हो जाएगा 400 से, ये करेक्शन होगी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 400। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक क्लियर। चलिए नेक्स्ट। टू फिफ्टी नाइन रीड कर ले। ओके जी, ऑप्शन एरर वन, अ पेमेंट फॉर रेंट 6160 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रेंट पेबल अकाउंट और द कैश बुक। ये तो हो गया कंप्लीट ऑमिशन नॉट अफेक्टिंग। एरर टू, द बैलेंस ऑन मोटर एक्सपेंस अकाउंट 27,680 हैज इनकरेक्टली बीन लिस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस एज अ क्रेडिट। तो मोटर एक्सपेंस डेबिट होगा, बैलेंस क्रेडिट होता है। मोटर एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखा उसने, क्रेडिट पे, तो ये अफेक्टिंग होगा। डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी, डेबिट साइड का अफेक्टिंग। थ्री, प्रोसीड 6160 प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ अ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल सेल की हमने, हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कैश बुक एंड क्रेडिट ऑफ मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट। कैश डेबिट, मोटर व्हीकल क्रेडिट, डबल एंट्री कंप्लीट हो रही है, नॉट अफेक्टिंग हो गया, सही। फोर्थ है, बैलेंस ऑफ 21,520 ऑन द रेंट पेबल अकाउंट हैज बीन ऑमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस से ऑमिट हो रहा है, रेंट पेबल का बैलेंस ट्रायल बैलेंस से ऑमिट हुआ है, अफेक्टिंग हो जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एरर टू एंड फोर जी। क्लियर। देखिए एरर वन है कंप्लीट ऑमिशन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, नॉट अफेक्टिंग। एरर फोर में क्या है, रेंट पेबल अकाउंट का बैलेंस है, बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा, ये अफेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। बाकी थर्ड में तो जो एंट्री बनती है वही बनाई है उसने, कैश डेबिट मोटर व्हीकल क्रेडिट, तो ये एरर ही नहीं है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम, एरर वन कंप्लीट ऑमिशन है, एरर टू अफेक्टिंग हो जाएगा, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, एरर थ्री में कोई एरर नहीं है कि मोटर व्हीकल सेल की है तो एंट्री होती है कैश डेबिट मोटर व्हीकल क्रेडिट, सही एंट्री है। और एरर फोर में बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, अफेक्टिंग हो जाएगा, नहीं क्लियर ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, टू एंड फोर। अच्छा ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो रीड कर लें। ऊपर खैर पूरे से एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसके रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें फाइव एरर्स हैं, इनमें आपको ये बताना है कौन से अफेक्टिंग है। अच्छा एरर ए, आ कैश रिफंड ड्यू टू अ कस्टमर ए। अच्छा कैश रिफंड की ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, कैश रिफंड, ये कंट्रोल अकाउंट में पड़ी थी हमने एंट्री, कैश रिफंड, कैश रिफंड टू कस्टमर, कैश क्रेडिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रिफंड कब करते हैं, जब ओवर पेमेंट होती है नॉर्मली ना, तो ओवर पेमेंट की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट हो जाता है, रिफंड करेंगे तो रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अब क्या लिखे, करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक, यानी कि कैश को क्रेडिट किया एंड देन क्रेडिटेड टू रिसीवेबल लेजर अकाउंट ऑफ बी, बी को भी क्रेडिट कर दिया,
नाम भी चेंज हुआ, साइट भी चेंज हो गई। ओरिजिनल क्या बनेगी इसकी? अकाउंट रिसीवेबल, ये डेबिट होगा ना, अकाउंट रिसीवेबल ये डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो। ठीक है, अच्छा अमाउंट नहीं दिया हुआ, क्रॉस डाल देते। रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसने? करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक, देखिए कैश हो गया क्रेडिट, और उसके बाद देन क्रेडिटेड टू द रिसीवेबल लेजर अकाउंट ऑफ बी, बी को भी क्रेडिट कर दिया। डेबिट में क्या आया? कुछ नहीं, अफेक्टिंग हो गया। ठीक अच्छा, इसके बाद सेकंड, विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय स्मिथ फॉर ओन यूज 300 वॉज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग सेल्स क्रेडिटिंग परचेज। अच्छा, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर ओन यूज, ओरिजिनल ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ओरिजिनल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसने? क्या लिखा है? रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ, और क्रेडिटिंग परचेज, परचेजेस को क्रेडिट कर। ठीक है, तो डबल एंट्री कंप्लीट हो रही है, नॉट अफेक्टिंग हो जाएगा, नॉट अफेक्टिंग है। ठीक है, तो वैसे करेक्शन क्या होगी? ड्रॉइंग डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। ये तो हो गया नॉट अफेक्टिंग। थर्ड पे आते हैं, द टोटल ऑफ कॉन्ट्रा बिटवीन पेबल्स एंड रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसकी डबल एंट्री होती क्या? ओरिजिनल एंट्री कॉन्ट्रा की, कॉन्ट्रा सेट ऑफ सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट में पढ़ा था हमने, रिसीवेबल क्रेडिट पेबल डेबिट होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ से आपके रिसीवेबल पेबल दोनों डिक्रीज होते हैं, पेबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा क्या लिखा? कॉन्ट्रा बिटवीन पेबल एंड रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट had been credited in an error to the sales account, यानी कि receivable को credit करने के बजाय sales account को credit कर दिया। देखिए original क्या होगी? accounts payable debit, account receivable credit। अब wrong entry क्या बनी? कि contra between payables and receivable ledger control account had been credited in error to the sales account। रॉन्ग क्या बननी है इसकी? ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है सेंटेंस, असल में रॉन्ग ये बन रही है, पेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो रही है आप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नॉट अफेक्टिंग, क्लियर? एरर फोर, सम ऑफ द कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हैड बीन यूज्ड टू पे सनराइज एक्सपेंस बिफोर बैंकिंग द रिमेनिंग रिसिप्ट। अच्छा ये क्या है इसके अंदर, क्या कह रहे? सम ऑफ द कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव हुआ, हैड बीन यूज्ड टू पे सनराइज एक्सपेंस, एक्सपेंस पे किया हमने बिफोर बैंकिंग द रिमेनिंग रिसिप्ट, रिमेनिंग अमाउंट बैंक में डिपॉजिट नहीं करना है, ये कोई एरर है? ये तो कोई एरर नहीं, नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन है कि आपको कैश रिसीव हो, आपने कुछ एक्सपेंस पे कर दिए, बाकी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो ये कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। फाइव, 5,800 पेड फॉर प्लांट रिपेयर्स वाज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक एंड क्रेडिटेड टू प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। ओरिजिनल एंट्री क्या होगी इसकी? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा रॉन्ग एंट्री क्या बनी? करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक, इनके कैश को क्रेडिट किया, और उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या हुआ? सस्पेंस। ठीक है, ये हो जाएगा अफेक्ट, कुछ नहीं हुआ तो इसकी वजह से
सस्पेंस अकाउंट डेबिट में ओपन होगा तो ये हो जाएगा अफेक्टिंग, क्लियर। अब अफेक्टिंग कौन से हुए, 1 एंड 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्लियर, सही ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या है, अब इसमें ये देखें क्या लिखा है, ऑन एक्सट्रैक्टिंग ट्रायल बैलेंस अ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑन इट। द सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है क्रेडिट बैलेंस के साथ, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है। यू डिस्कवर दैट दिस इज कॉज्ड बाय अ सिंगल एरर इन द जर्नल लेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड देयरफॉर हैव कॉज्ड द इंबैलेंस। अच्छा हम चार में से कोई एक एरर है। अच्छा देखिए हुआ क्या, सस्पेंस अकाउंट कहां पर ओपन हुआ, क्रेडिट साइड पर, तब आपको वो एरर बताना है जिसकी वजह से डेबिट साइड ज्यादा हो जाए क्रेडिट साइड कम हो जाए, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट कम वाली साइड पर ओपन होता है ना। तब इन चार में से वो एरर बताना है जिसकी वजह से डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो जाए। अच्छा अब पॉइंट ए है, ये भी एक टॉपिक है हमारा पेरोल का, उसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा समझा देता हूँ। इनकम टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस, अच्छा सैलरी, अच्छा लेबर आपने पढ़ा हुआ है, वेजेस सैलरीज में से कुछ डिडक्शंस होती है ना, इनकम टैक्स होता है, एनआईसी होता है जैसे आपका, ये चीज है ठीक। अच्छा जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है सैलरी से, किसी भी नाम से डिडक्शन हो, वो एम्प्लॉयर के लिए डिडक्शन करता कौन है, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर, अब उन पैसों को क्या करता है, वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जमा करवा देगा। तो इनकम टैक्स है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाएगा, तो इसका मतलब जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है वो एम्प्लॉयर के लिए एक लायबिलिटी होती है, ये जो अमाउंट डिडक्ट किया ये गवर्नमेंट के अकाउंट में रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जमा करवाना है, तो वो बन गई लायबिलिटी। अच्छा अब लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट पे आएगी क्रेडिट पे, क्रेडिट ठीक है। तो जो भी अमाउंट सैलरी से डिडक्ट होता है वो क्रेडिट पर आता है, तो फिलहाल इतना याद रखें, बाकी ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर कंप्लीट एंट्रीज में आपको लिख पाऊंगा इसे। अच्छा अब इनकम टैक्स सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन फॉर द करंट मंथ हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द डिडक्शन कंट्रोल अकाउंट, दो बार एंटर कर दिया यानी कि दो बार क्रेडिट किया हमने, ठीक है जो भी डिडक्शन होती है वो क्रेडिट होती है, तो दो बार क्रेडिट किया तो इससे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड कम। सस्पेंस अकाउंट कहाँ ओपन होगा, डेबिट साइड पर, तो ए आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यार सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ क्रेडिट साइड पे ना, ठीक है ए आंसर नहीं हुआ। बी, अकाउंट रिसीवेबल लेजर अकाउंट पेबल लेजर कॉन्ट्रा हैज बीन एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बोथ द कंट्रोल अकाउंट, दोनों क्रेडिट हो गए तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी डेबिट कम, तो सस्पेंस ओपन होगा डेबिट साइड पर, तो बी आंसर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ क्रेडिट पे सस्पेंस आ रहा है, क्रेडिट पे आना है। अच्छा ओपनिंग एक्रूवल्स फॉर टेलीफोन चार्जेस, अच्छा एक्रूवल्स एक्रूड एक्सपेंस एक ही बात है, या इसको अनपेड एक्सपेंस भी कहते हैं, तो इसकी नेचर क्या होगी, लायबिलिटी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। ओपनिंग एक्रूवल्स फॉर टेलीफोन चार्जेस हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए था क्रेडिट पे, हमने उसको लिख दिया डेबिट पर, तो इससे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड इंक्रीज होगी बढ़ जाएगी क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, तो सस्पेंस कहाँ ओपन होगा, क्रेडिट साइड, तो करेक्ट आंसर डी हो जाए, ठीक है डी भी चेक कर लेते हैं पर सॉल्व करते हैं। अगर फिगर ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज बीन एंटर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ठीक है क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में किस साइड पर आती है, डेबिट पे, अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री वो भी डेबिट पे, अच्छा अगर अभी याद दिलाता हूँ, हमने याद होगा शुरू में टॉपिक पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाए थे ना, उसमें क्वेश्चन गिवन होता था ट्रायल बैलेंस देख के फिर हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे थे, उससे पता है ओपनिंग इन्वेंट्री किस साइड पर थी, डेबिट पे, ठीक, और क्लोथिंग इन्वेंट्री
हैंडआउट है किसी के पास? वो शुरू का जो था क्वेश्चन नंबर, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, कुछ इस तरह याद है। इसमें देखिए क्लोथिंग इन्वेंट्री कहाँ दी हुई है, क्लोथ इन्वेंट्री कहाँ है? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पर है, कहाँ लिखा हुआ है क्लोथिंग इन्वेंट्री? क्लोथिंग इन्वेंट्री क्लोथिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं आती जी। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है डेबिट पर, क्लोथिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन देखे उसमें क्लोथिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे लिखी हुई एक लाइन, उसमें क्लोथिंग इन्वेंट्री दी भी है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे आती है, क्लोथिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं आती। सही है, और इसने क्या किया है, फिगर ऑफ क्लोथिंग इन्वेंट्री हैज बीन एंटर्ड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट, क्योंकि क्लोथिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं आती और इसने दोनों साइड पे लिख दिया है, तो उसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ठीक है, अभी याद रखिएगा क्लोथिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होती, आपका एडजस्टमेंट में दी जाती है। 264 अकाउंटेंट है इज अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ सस्पेंस अकाउंट डिफरेंस, वन ऑफ द एरर रिलेटेड टू मिस पोस्टिंग ऑफ 3079 ऑफ सेल्स टैक्स ऑन परचेज टू द रॉन्ग साइड ऑफ द सेल्स टैक्स अकाउंट। तब सेल्स टैक्स ऑन परचेज आता किस साइड पर है? सेल्स टैक्स ऑन सेल परचेज, हाँ डेबिट होता है। ठीक है, इसने क्या किया है, रॉन्ग साइड मतलब क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, करेक्शन क्या होगी? डबल से डेबिट कर देंगे, तो सेल्स टैक्स डबल से डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। सही, तो सेल्स टैक्स डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट डबल, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही, ठीक, क्लियर, थैंक्स। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 130, सभी मैंने एक साथ एक जैसे क्वेश्चन एक साथ कर दिए, क्रेडिट बैलेंस है, अब वही रीजन बतानी है। ऑमिटिंग अ सेल्स फ्रॉम द रिसीवेबल लेजर, रिसीवेबल लेजर की बात हो रही है, तो डे बुक्स के साथ हमने बनाए थे रिसीवेबल लेजर, पेबल लेजर। रिसीवेबल लेजर में कौन से अकाउंट बनते हैं, किसके अकाउंट? कस्टमर के, सप्लायर के, कस्टमर के पर्सनल अकाउंट बनते हैं, तो उसमें सेल्स किस साइड पर आती है, डेबिट पे क्रेडिट पे? रिसीवेबल में सेल्स डेबिट होती है ना। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑमिटिंग सेल्स फ्रॉम रिसीवेबल लेजर मतलब डेबिट करना था भूल गए, तो इससे क्या होगा, डेबिट साइड कम हो जाएगी, तो सस्पेंस कहाँ ओपन होगा, डेबिट साइड पर, और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, ए आंसर नहीं होगा। बी, रिकॉर्डिंग अ परचेज ऑफ 130 ट्वाइस इन परचेजेस अकाउंट, तो परचेज डेबिट होती है क्रेडिट, डेबिट, इसने दो बार डेबिट किया, जिससे डेबिट साइड बढ़ गई क्रेडिट साइड कम हो गई, तो सस्पेंस कहाँ ओपन होगा, क्रेडिट साइड पर, तो यही करेक्ट आंसर हो गया बी, 130 आएगा, ये 260 नहीं होगा। देखिए समझा, हाँ ये 260 नहीं होगा, 130 रहेगा। ठीक है, समझा देता हूँ, तो साइड चेंज नहीं हो रही, डबल हो रहा है ना, साइड चेंज नहीं हो रही, साइड चेंज होती तो डबल होता है। अब इसने देखिए क्या किया, ओरिजिनल क्या बनेगी इसकी, परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 130 130, अब इसने क्या किया, परचेज अकाउंट को दो बार डेबिट किया ना ट्वाइस, तो इसको हम दो बार लिख लेते हैं, चले यानी कि दो डबल, ट्वाइस का मतलब डबल हो गया, दो बार ही लिख लेते हैं, 130 130 और अकाउंट पेबल। सस्पेंस अकाउंट कितने से ओपन होगा,
130 से 130 का डिफरेंस आएगा क्रेडिट पे ना, सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा 130। ए बी आंसर हो गया करेक्ट, सही। सी द फेलिंग टू राइट ऑफ एन इरिकवरेबल डेट्स ऑफ 130, मतलब बैड डेट्स राइट ऑफ करना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए, नॉट अफेक्टिंग हो गया। ओके बी रिकॉर्डिंग एन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ 65 बाय डेबिटिंग द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। डेबिटिंग बैंक क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी, एंट्री तो गलत है लेकिन डबल एंट्री कंप्लीट हो रही है, बैंक डेबिट इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट नॉट अफेक्टिंग हो जाएगा, तो ये एरर कौन सा होगा? कंप्लीट रिवर्सल, बैंक डेबिट इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट, तो ये कंप्लीट रिवर्सल है। ओके तो करेक्ट आंसर हुआ बी, ठीक है जी। हो गया 272, ये आप लोग सॉल्व करें। इसमें देखें पहला एरर जो है 50 है, नॉट अफेक्टिंग है ना, ये लिखा है डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंस को डेबिट करना था, एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया, नॉट अफेक्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड में कैश रिसीव्ड, ठीक है, तो आपने उसको पेबल अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो इफेक्ट कितने का आ जाएगा? 400 का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट 274, व्हेन बॉर्डर ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री, ठीक, तो एरर अफेक्टिंग बताने हैं। अच्छा ये क्या लिखता है कि व्हेन द बैंक रिकंसिलिएशन इंडिकेट्स देयर आर आउटस्टैंडिंग आइटम्स इन द क्लियरिंग सिस्टम, ये तो एक इंफॉर्मेशन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट इंडिकेट्स देयर इज अ कॉन्ट्रा आइटम विद द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये भी कुछ नहीं है। व्हेन अ सप्लायर स्टेटमेंट ऑमिट्स एन इनवॉइस फॉर गुड्स रिसीव्ड, ये सप्लायर का है, मिस्टेक की है, हमारे रिकॉर्ड पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। व्हेन द एनालिसिस कॉलम इन पेटी कैश बुक हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द जर्नल लेजर, यानी कि जो एनालिसिस कॉलम मतलब जो एक्सपेंस के कॉलम होते हैं उनका टोटल हम जर्नल लेजर में पोस्ट करते हैं ना, याद है वो टी अकाउंट हमने बनाए भी थे, तो वो पोस्ट करना भूल गए, तो इससे आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो डेबिट साइड कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अफेक्टिंग, और ऑप्शन डी। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैं करवा देता हूं आपको। अच्छा क्या लगे, सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन विद अ ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन बाय एन ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री, द फॉलोइंग एरर्स वर लेटर डिस्कवर्ड, द थ्री एरर्स दिए हुए, रिक्वायरमेंट क्या, व्हेन द एरर्स वर करेक्ट, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस वॉज क्लियर, वॉट वॉज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। देखिए अभी हमने दो क्वेश्चंस किए थे ना, तीन क्वेश्चन लॉन्ग वाले, हाँ इसमें क्या था, इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था ना, बैलेंस कितना आ रहा है, उसके बाद हमने करेक्शंस किए, करेक्शंस करने के बाद क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट इक्वल हो गया, क्लोज हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट। अच्छा ये टी अकाउंट एक बना हुआ है, अगर इसके मुताबिक आंसर क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ये जो बैलेंस है 6500 ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ इसके लिए पहले हमें तीनों एरर्स की करेक्शन करना होगी, तो लेजर में पोस्ट करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, सही है। अब पहले हम इन तीनों एरर्स की करेक्शंस करते हैं, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। हाँ ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, 261। एरर वन,
गैस बिल ऑफ 420 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द गैस अकाउंट एस 240। अच्छा गैस बिल है तो इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? गैस एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। 420, 420 से रॉन्ग एंट्री क्या बनी? हैड बीन रिकॉर्डेड इन द गैस अकाउंट एस 240। गैस अकाउंट में हमने 240 से रिकॉर्ड किया, रॉन्ग हो गई। गैस एक्सपेंस डेबिट 240, बैंक क्रेडिट 420। बैंक सही है, ठीक है। करेक्शन क्या हो गया? वो तो अब हम गैस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे डिफरेंस से 180, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 180 से। क्लियर? यस ठीक है। गैस एक्सपेंस को हमने 420 से डेबिट करना था, 240 से डेबिट किया तो 180 से मजीद डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तो एरर वन की करेक्शन हो गई। ठीक, एरर टू, अ कॉन्ट्रा बिटवीन रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा इसकी ओरिजिनल एंट्री बताएं। पेबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री। लगता है कि हैड बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा रिसीवेबल में तो मतलब क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया, और इसके बाद क्रेडिटेड टू पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, पेबल को भी क्रेडिट कर दिया। डेबिट में क्या रिकॉर्ड हुआ? कुछ नहीं। तो ये सस्पेंस आ गया डेबिट में। अब करेक्शन क्या होगी? अकाउंट पेबल डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 100, डबल हो जाएगा ना, क्योंकि पेबल को हमें डेबिट करना था, ने क्रेडिट किया, साइड चेंज हो गई, तो अब ये इफेक्ट डबल का है। तो डबल से अकाउंट पेबल डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 70। इंटरेस्ट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो कैश या बैंक डेबिट होगा, और इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा ना। इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है। 70 और 70, तो रॉन्ग एंट्री क्या बनी? हैड बीन एंटर्ड इन बैंक अकाउंट ओनली, यानी कि सिंगल एंट्री बनी, बैंक डेबिट हुआ, क्रेडिट कुछ नहीं ना, तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। करेक्शन, सस्पेंस डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ये हो गई करेक्शन। एरर थ्री की करेक्शन हो गई, सही है। अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है? हमें सस्पेंस अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस बताना है, तो अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये सस्पेंस अकाउंट कॉपी करते हैं यहाँ से फॉर्मेट। अच्छा सस्पेंस अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? किसी भी साइट पर आ सकता है, किसी भी साइट पर आ सकता है ना। तो अब हमें बैलेंस किसी भी साइट पर आ सकता है, बैलेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो एंट्रीज पोस्ट करते हैं। एरर वन, एरर वन में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 180 से, 180 क्रेडिट। अच्छा एरर टू में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है 180 से, 100 से, और एरर थ्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 70 से। टोटल करते हैं 280, 280। अब 70 माइनस करेंगे तो 210 ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा 210 डेबिट बैलेंस। और किस साइट पर है डेबिट? तो ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पुट एंड डेबिट बैलेंस। क्लियर? तो कॉपी आप लोग घर जाके कर लीजिएगा। अगले सबसे अच्छा 275 बस खत्म ही है। कितना रह गया? एक बस खत्म, दो तो रह गए। दो क्वेश्चन और हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको बस। 275। अच्छा इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट बिफोर दीज एरर्स आर करेक्ट। तो वही करेंगे, पहले तीनों एरर्स की करेक्शन करते हैं। एरर वन, अ कैश पेमेंट ऑफ 100 फॉर स्टेशनरी हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। ये तो ऑमिशन है तो इसको तो छोड़ देते हैं। कंप्लीट ऑमिशन है, नॉट अफेक्टिंग है, तो फिलहाल करेक्शन की जरूरत नहीं है। एरर टू, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 30 वॉज एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड करेक्टली पोस्टेड टू द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। एरर टू में डिस्काउंट रिसीव्ड की ओरिजिनल एंट्री। अकाउंट पेबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, अमाउंट कितना है? 30। 30 आ गया। ठीक, रॉन्ग एंट्री, वॉज एंटर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा डिस्काउंट रिसीव को डेबिट किया और नहीं, एंड करेक्टली पोस्टेड टू द ट्रेड टेबल कंट्रोल, मतलब टेबल को डेबिट करना था, डेबिट ही किया। राइट, एरर कहाँ हुआ? डिस्काउंट रिसीव में। करेक्शन क्या हो गया? सस्पेंस डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। कितने से? 60। डबल हो जाएगा इफेक्ट। ठीक है, ये हो गई इसकी करेक्शन। ये फ्री कैश ड्रॉइंग्स, 300 कैश ड्रॉइंग्स वर डेबिटेड टू इन द रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट एंड करेक्टली पोस्टेड इन द कैश। अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग? नॉट अफेक्टिंग है, क्योंकि ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था, रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, बाकी कैश बुक में सही रिकॉर्ड। नॉट अफेक्टिंग, तो इसको बनाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा सस्पेंस अकाउंट या अकाउंट बना लेते हैं। आंसर तो 60 आएगा। ठीक है जी, तो आंसर तो आ जाएगा 60। ओके जी, उसमें देखें करेक्शन में सस्पेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट पे। टोटल करते हैं 60, तो ओरिजिनल बैलेंस 60 हो जाएगा। क्रेडिट, करेक्ट आंसर 60 क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया है, तो ऑप्शन डी। क्लियर? हाँ, तो ये करेक्शन में कहाँ पे आ रहे हैं? डेबिट साइड पे लिख लिया हमने, अब क्या करें? डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट पे लिखा, क्रेडिट साइड माइनस की 0, बैलेंस आ गया 60। पिछले वाले में क्या किया था? ये तो किया था, क्रेडिट का टोटल किया था 280, 280 डेबिट साइड पे लिखा, 70 माइनस किया था, 210 आ गया। सेम यहां पर है, ये एंट्री में कहां रहा है? डेबिट पे ना। डेबिट का टोटल हुआ 60, 60 क्रेडिट, क्रेडिट पे कुछ नहीं है तो यही बैलेंस आ गया, माइनस 0 से 60 आंसर। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है 263। अच्छा ये आप लोग क्या टाइम हुआ अभी? चलो राइट, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। इससे पहला वाला समझा देता हूँ, वो डिफरेंट है, वो नहीं होगा आपसे, बाकी 2 और 3 तो आपसे हो जाएंगे। फर्स्ट वाला समझ लें,
अब लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 1475 हैज बीन लिस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1745। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में, ये बंद कर दें, कट बंद करें इसमें। ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर आती है ना। अच्छा इसने क्या किया, उसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट लिखा और अमाउंट भी गलत लिखा, तो करेक्शन क्या होगी? पहले तो अमाउंट करेक्शन एंट्री बता दें मुझे, अमाउंट बाद में बात करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? सस्पेंस आएगा ना, ये बैलेंस की बात हो रही है, ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही। ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट पे लिखना था, क्रेडिट पे लिख दिया, तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी डेबिट साइड, तो सस्पेंस ओपन हो जाएगा डेबिट पे, तो करेक्शन में सस्पेंस क्रेडिट होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट हो गई। सही है, अमाउंट बताएं क्या आएगा, अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट अमाउंट बताएं मुझे। 520 शायद जी, 270 270 गलत है, 270 300 रॉन्ग, सेम भी नहीं आएगा। सोच लें सोच लें, तुक्के नहीं मारे, जरा दिमाग लगाएं, हुआ क्या है, करना क्या था, कितने से? 1/4 से, 1400 से क्या किया हमने, कितने से? 1745। कम से डेबिट करना था, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया। तब देखिए क्रेडिट हमने किया है 1745 से, तो पहले तो 1745 से डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, कैंसिल हो जाएगा हाँ ना, ठीक है। और फिर डेबिट करना कितने से था, तो 1475 से और डेबिट करेंगे उसको, तो अब कलेक्शन होगी ना। देखें ये नया एरर है, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा है, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, अमाउंट चेंज होता है तो हम डिफरेंस लेते हैं, और अगर साइड चेंज होती है तो डबल करते हैं। यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, दो एरर है, साइड चेंज हो रही है, अमाउंट भी चेंज हो रहा है, साइड चेंज है अमाउंट भी चेंज है। अब सपोज इसको इस तरह समझे कि आपने किसी शख्स से 150 रुपीज लेने थे, 150 रुपीज लेने थे, आपने उसको 105 रुपीज दे दिए, ये हो रहा है ना यहाँ पे, 150 लेने थे किसी से और 105 दे दिया आपने उसको, अब कितने पैसे लेंगे? 150 रिसीव करना थे, 105 पे कर दिए, 255 टोटल लेंगे ना उससे। सेम यहाँ पर है, डेबिट करना था, क्रेडिट किया पहले तो डब तो टोटल से डेबिट करना पड़ेगा ना पास, देखिए क्लियर हुआ? देखिए इसको किसी एक और सिंपल एंट्री से मैं समझा देता हूँ, को एक और एंट्री से समझा देता हूँ। सपोज करें हमने कैश सेल्स की है, कैश सेल्स हो गई डेबिट और सेल्स क्रेडिट हुआ, अमाउंट सपोज कर लेते हैं 150 का, ठीक है। अच्छा रॉन्ग एंट्री क्या बनाई हमने, डेबिट तो कुछ नहीं किया, सेल्स को क्रेडिट किया हमने 150 से और कैश को भी क्रेडिट कर दिया 105 से, है ना। 150 से डेबिट करना था, 105 से क्रेडिट कर, दो एरर आ गए, साइड चेंज हो रही है, अमाउंट भी चेंज हो गया। अब सस्पेंस अकाउंट कितने से ओपन होगा, 255, यानी कि दोनों का टोटल। अब करेक्शन क्या होगी, सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा 255 से और कैश डेबिट होगा 255 से। सही है, यहां भी कुछ ऐसा ही है ना, डेबिट करना था 1475 से, क्रेडिट कर दिया 1745, तो साइड चेंज अमाउंट भी चेंज हो गया, तब डेबिट कितने से करेंगे, टोटल दोनों का टोटल करें, सम 3220। क्लियर, अब ये एक नया एरर आ गया, ये ठीक है, आप रिवाइज कर लें। पहले देखिए साइड चेंज होगी तो डबल करते हैं,
अमाउंट चेंज होगा, डिफरेंस लेंगे, और दोनों चेंज हो जाए, साइड और अमाउंट दोनों चेंज हो तो टोटल करेंगे फिर। हाँ, क्योंकि देखिए ना भाई, अगर हम कैश को देखिए, क्रेडिट कितने से किया, 105 से, 105 से डेबिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब हमें डेबिट में 150 चाहिए, क्या करें? नहीं, अब 150 से हमें और डेबिट करना पड़ेगा ना, अब करेक्शन होगी ना, अब सही होगी, कैश का बैलेंस आएगा 150। तो पहले हम इसको देखें, 105 से क्रेडिट किया तो 105 से डेबिट करके कैंसिल करेंगे, और फिर डेबिट करना कितने से था, 150 से, तो 150 से डेबिट करेंगे तब करेक्शन, ठीक है। तो अभी डिफ पॉइंट याद रखिएगा, साइड चेंज होगी तो डबल, अमाउंट चेंज होगा डिफरेंस, और दोनों चेंज हो गए टोटल करें, सही है, ठीक है। तो बाकी दो एरर्स और हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा करेक्शन, और सस्पेंस अकाउंट बना लीजिएगा, अंतर निकाल लें, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा।